इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक तिवारीपुर स्थित ताज पैलेस में सकुशल संपन्न हुई, जिसमें इमाम चौक के मुतवल्लियों और अखाड़ों के उस्तादों की समस्याएं छाई रहीं, जिसमें मुतवल्लियों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के साथ ही रवायत के मुताबिक ही जुलूस निकालने पर हामी भरी। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के संरक्षक एवं वरिष्ठ काउंसिलर खैरुल बशर ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस हमेशा से पुरअमन माहौल से निकलता है। इस वर्ष भी शासन और प्रशासन की गाइडलाइन में ही पुरानी रवायत में मुहर्रम का जुलूस निकालकर मुतवल्ली अमन के पैगाम के पैकर बनेंगे। वहीं मुबारक खां दरगाह के अध्यक्ष इकरार अहमद ने कहा कि मुहर्रम जुलूस को निकालते समय मुतवल्ली अपनी पूरी निगरानी में जुलूस को लेकर चले, जुलूस में अराजक तत्व पर पूरी सावधानी बरते। वैसे तो गोरखपुर इमाम चौक के मुतवल्ली शासन व प्रशासन के आदेशों का हर साल पालन किया करते हैं। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन पर अमल करते हुए मुतवल्ली प्रशासन का सहयोग करें। मुहर्रम के जुलूसों की तैयारियों में मुतवल्लियों की शान बसी और रची हुई है। मुतवल्लियों की ओर से प्रशासन को हर त्योहारों के मौके पर सहयोग मिलता रहा है। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, तिवारीपुर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रताप सिंह, शिया समुदाय के एजाज अहमद रिजवी, अली अब्बास, सैयद नसीम, सुभी मोना, पार्षद अख्तर, पार्षद मतुद्दीन मतीन, पार्षद उजैर अहमद, पार्षद शहाब अंसारी, वरिष्ठ समाज सेवी सुल्तान खान, पूर्व पार्षद नवीउल्लाह अंसारी, एडवोकेट मोहम्मद अहमद सईद अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडवोकेट एजाज रिजवी और इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, मैं वरिष्ठ समाज सेवी जनाब आदिल अमीन साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, खैरुल बशर साहब, जनाब यशस्वी साहब, अरे जाइए भाई, प्रशासन के दीगर पापुर से ताल्लुक रखता हूँ। विगत दो तीन सालों में दशहरे का त्यौहार रात तकलीफ से जरूर हुआ, लेकिन मैं गोरखपुर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने भी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखा, कहीं किसी किस्म की जहाँ तक मुहर्रम के काम को या मुहर्रम के जुलूस को ले जाने की बात है, जुलूस के बारे में आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं। ये एक कुर्बानी का महीना है, जिन्हें हम पैग कहते हैं, वो नग्न पैर बाबा बाकायदा पाक साफ रह के बावजूद होकर के इमाम चौक पर और ताजियादारी के करीब आते जाते हैं। लेकिन अब देश का मुकाम है कि हम न रोजे का एहतराम करते, न हम किसी तरह से उसके उस पर अमल पैरा होते। इसके लिए मैं खास तौर से मुतलवानियान कमेटी के सरपरस्त से दरख्वास्त करूंगा कि जुलूस में अगर पाकिस्तानी रहेगी तो ये जुलूस सिर्फ इस बात का हामिल है कि हम अमन पसंद है और हम उस अल्लाह के नेक बंदे शहीद आजम के पैरोकारी का एक नमूना पेश करना चाहते हैं। जो कि उनकी मर्जी और अल्लाह की मर्जी कि हमारे इस जुलूस की शफकत और मोहब्बत को कहां तक ले जाएगा, कहां पर मौका अदा करेगा, इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन हमें कम से कम अपने आप को उस जुलूस को पाक साफ भी रखना चाहिए, और जब हम इसका लिहाज करेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे जुलूस में किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई मलाल, कोई मुजामत करने वाला कोई मौका वहां नहीं पैदा होगा। और इसके लिए प्रशासन भी ताकीद करे। मसलन जो लोग कुछ थोड़ी बहुत सी चीजें खाने पीने की पी लेते हैं तो उसमें अपने होश और जोश को खो देते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि जुलूस बेतरतीब हो जाता है और आपस में नाइतफाकी पैदा होने का मसला खड़ा हो जाता है। एजाज रिजवी एडवोकेट, ये मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक हो रही है कि मुहर्रम को ठीक से हम लोग संपन्न करें और किसी तरह कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहले से बता दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान देते हुए उसको सहूलियत से निपटा दें। और ये चूँकि शांति का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, इसलिए इस
जिनको हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक निभा ले जाएं। मैं इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी का जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला। ये बैठक जो है इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी के तत्वाधान में है और शहर के जितने भी मुतवली हैं, शहर और देहात के सारे मुतवली आए हुए हैं, इनकी सारी समस्याएं सुनी जा रही हैं। जो इनकी परेशानियां होंगी और समस्याएं होंगी रोड के, नाले के या जलूस में किसी भी तरह के मतलब दुश्वारियां होंगी, उसको जिला प्रशासन के वहां पहुंचाया जाएगा कमेटी के पैड पर।